For admission in MBBS in Kazakhstan, please contact phone 89498-41684. बांसुर के सेठ चंदुलाल धन्नालाल अग्रवाल राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल के खेल ग्राउंड में ब्लॉक स्तरीय राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों का शुभारंभ किया गया। ब्लॉक स्तर पर 12 सितंबर से 15 सितंबर तक ओलंपिक खेल आयोजित किए जाएंगे। एसडीएम राहुल सैनी ने बताया कि बांसुर के ब्लॉक स्तर पर 6 ओलंपिक खेलों का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें कबड्डी, खो खो, वॉलीबॉल, क्रिकेट, हॉकी और शूटिंग के खेलों के लिए 226 टीमों में 2596 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। इसमें करीब 1100 महिला खिलाड़ी और करीब 1400 पुरुष खिलाड़ी हैं। वहीं भूपसेड़ा और हाजीपुर की टीम के बीच कबड्डी मैच के साथ खेल का शुभारंभ किया गया। खेल के शुभारंभ के अवसर पर एसडीएम राहुल सैनी ने कबड्डी के खेल में सबसे पहले रेड मारकर खेल का शुभारंभ किया। वहीं एसडीएम राहुल सैनी ने बताया कि मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि ब्लॉक स्तर खेलों के सफल आयोजन पर शहरी खेल ओलंपिक भी आयोजित किए जाएंगे। वहीं उद्घाटन समारोह पर छात्राओं ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी। ब्लॉक स्तरीय ओलंपिक खेलों के उद्घाटन समारोह पर बांसुर एसडीएम राहुल सैनी, नगर पालिका चेयरमैन नीता सज्जन मिश्रा, तहसीलदार राजेंद्र मोहन, CBEO मनोज सिंह शेखावत, DSP मृत्युंजय मिश्रा सहित जनप्रतिनिधि और खिलाड़ी मौजूद रहे। आज राजीव गांधी ग्रामीण खेल ओलंपिक के अंतर्गत ब्लॉक स्तरीय खेलों का आयोजन बांसुर ब्लॉक में शुरुआत की गई है। इसमें टोटल 226 टीमें हमारे भाग ले रही हैं और तकरीबन 2600 खिलाड़ी हमारे यहाँ खेल रहे हैं। इसमें पुरुष और महिला दोनों टीमें हैं, तकरीबन 1000 से 1100 महिलाएँ और करीब 1400 के आसपास पुरुष इसमें भाग ले रहे हैं। इसमें टोटल 6 खेल आयोजित किए जा रहे हैं, जिसमें खो खो, कबड्डी, वॉलीबॉल, शूटिंग बॉल, टेनिस बॉल, क्रिकेट और हॉकी शामिल है और खिलाड़ी पूरे जोश खरोश से यहाँ खेलने के लिए मौजूद हैं। और आने वाले समय में मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है कि राजीव गांधी ग्रामीण खेल ओलंपिक के सफल आयोजन के तरह ही शहरी खेल ओलंपिक भी आयोजित किए जाएंगे। धन्यवाद।